60 दिन में रकम वापस करने का हाई कोर्ट का आदेश। आज मैं फिर आपके लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। तो आप आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के निवेशक हैं तो आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर सभी चिटफंड कंपनियों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, ये जो खबर है ये 17 अक्टूबर 2020 को एक न्यूज़पेपर नई दुनिया की है। तो दोस्तों, इसमें एक आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के एक निवेशक ने हाईकोर्ट में अपना पैसा लेने के लिए आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ केस लड़ा है और कोर्ट ने उसे 60 दिन में रकम लौटाने के लिए सोसाइटी को समय दिया है। बड़ी बात यह है कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के 21 लाख निवेशकों के सामने इस समय परेशानी आ रही है, उसका यहाँ पर कुछ समाधान होता दिखाई दे रहा है और निवेशकों ने पूरा जोर लगा रखा था अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो उन सभी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी किसी एक का पैसा तो देगी नहीं, देगी तो सभी निवेशकों को देगी, अदरवाइज किसी को नहीं देगी। ये पूरी खबर बिलासपुर की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र शासन और परिचालक को 60 दिन के भीतर याचिकाओं को उनका भुगतान करने का आदेश दिया है। बिलासपुर के राजेश कुमार जोशी व अन्य के साथ ही रायपुर के विशेष निगम व अन्य ने वकील विवेक अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में वे 2015 से निवेश कर रहे थे। बैंक की शाखा प्रदेश के सभी जिलों में चल रही थी। इस बैंक में ब्याज ज़्यादा था, इसलिए याचिकाताओं ने अपनी जिंदगी भर की कमाई फिक्स डिपॉजिट RD व सेविंग सहित अन्य योजना के तहत जमा करा दी। इस बीच 2019 में अचानक बैंक की सभी शाखाओं को बंद कर दिया, इसके चलते सभी ग्राहक की रकम बैंक में फंस गई। इससे प्रदेश भर के उपभोक्ताओं ने शिकायत की, जिस पर केंद्र सरकार ने बैंक की सभी संपत्ति को सील कर दिया। याचिकाताओं ने कोर्ट को यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 15 मई 2020 को एक आदेश जारी कर बैंक के उपभोक्ताओं को उनकी दावा राशि के भुगतान के लिए परिसमापक नियुक्त किया था। उसके पास याचिकाताओं ने आवेदन किया, लेकिन अब तक उनकी राशि नहीं लौटाई गई है। याची ने उनकी दावा राशि दिलाने के लिए मांग की है, लेकिन अब भी इनकी राशि नहीं लौटाई गई है। सुनवाई के बाद जस्टिस PS कोशी ने केंद्र सरकार द्वारा नियमित परिसमापक SS पटेल व केंद्र सरकार को याचिकाताओं को 60 दिन के भीतर रकम वापस दिलाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि मौजूदा सरकार है उसके द्वारा कितने निवेशकों को राहत दी जाती है, क्योंकि ये फरमान हाईकोर्ट के द्वारा आया है कि 60 दिन के भीतर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को पैसा दिया जाए। अब एस पटेल पर पूरा दावेदार है कि वो कितने दिनों में निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाते हैं या मूलधन ही उनको लौटाया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने केंद्र शासन और परिसंचालन को 60 दिन में याचिकाताओं का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, ये थी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करना, जिससे जो भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित निवेशक हैं उन तक ये खबर पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।